हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। प्रकृते क्रियमानानि गुणैर्कर्माणि अवशः सर्वशः अहंकारो विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि गुणैर्कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं मूल वस्तु भगवान का सेवा करने से भी ज्यादा महत्व है इनके भक्तों का सेवा करना। इनके भक्तों का सेवा करने का महत्व और ज्यादा है। मूल वस्तु भगवान का सेवा से भी बढ़कर है इनके भक्तों का सेवा। जैसे जगत गुरु परमहंस शंकर भगवान जी ने बताए, देवी मैया ने प्रश्न की, देवी मैया ने प्रश्न की जे किसका पूजा सबसे बढ़कर है। परमहंस जगत गुरु शंकर भगवान ने बताए, परमहंस बताए, आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनानं परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानं समर्चनम्। मूल वस्तु का सेवा तो है ही है, इसका तो महिमा है ही है, इससे बढ़कर महिमा है इनके भक्तों का सेवा करना। क्योंकि भक्तों का सेवा हम लोगों का ज्यादा सुविधा दे सकता है। भक्त तो सेवा परम सिद्धि प्रेम लोतिकार मूल। भगवान का सेवा का द्वारा सिद्धिर भवती बनेती, ये श्लोक है। भगवान के सेवा का सिद्धि हो ना हो, लेकिन भक्तों का सेवा ये तो होगा ही होगा। गुरु वैष्णव का सेवा करना बहुत जरूरी है। गुरु वैष्णव का सेवा करने से बद्धजीव उद्धार हो जाता है, बद्धजीवों का उद्धार होता है। लेकिन अहोभाग्य से गुरु वैष्णव का सेवा मौका मिलता, अहोभाग्य से ऐसा तो मिलता ही नहीं। इसीलिए चैतन्य चैतामित में लिखा हुआ है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति कथा बीच। गुरु वैष्णव का प्रसाद के द्वारा सत्संग प्राप्ते पुंगवीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित। सत्संग प्राप्ते पुंगवीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित, ऐसा लिखा गया शास्त्र में। लेकिन जब बद्ध जीव भजन में आते हैं, गुरु वैष्णव का चरण में शरण लेने के लिए आता है, शरण लेता है तो ठीक है, लेकिन शरण लेने का बहाना लेकर आए तो इसमें चरम मंगल मिलने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर गुरु वैष्णव को भोग करने के लिए बाहरी विचार में गुरु सेवा गुरु भोग, बाहरी विचार में गुरु सेवा गुरु भोग एक जैसा लगता है। चैतन्य चैतन्य में विचार है, सुमन महाप्रभु खुद बताए, गुरु सेवक है मानो जी हमार, गुरु का सेवक मेरा मान्यता मेरा मानना पड़ेगा ना, गुरु सेवक है मानो जी हमार। लेकिन
अगर गुरु जी का सेवा का बहाना लेकर गुरु जी का जो नाम जस फैला हुआ है जगत में, इसके अगर सहारे लेने के अंडियो एडवांटेज नाजायज फायदा लेने के लिए कोई आता है तो इनके जिंदगी में भक्ति बोलकर कुछ चीज मिलना संभव नहीं है। गुरु वैष्णव का नाम जस का दुरुपयोग, गुरु वैष्णव का नाम जस का दुरुपयोग करना बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल निषेध है। गुरु का सेवा तो वह है जो विश्रम भाव लेकर गुरु जी का सेवा करे। और शास्त्रों में बताया गया गुरुदेव तात्मा, गुरुदेव को आत्मा समझा, प्राण के प्राण, प्राणों का प्राण है गुरु जी। जो अपना समझ के गुरु जी का सेवा करते हैं, कोई दोष नहीं देखते हैं, कोई आशा आकांक्षा नहीं रखते हुए सेवा करते। अगर अंदर में कोई छुपा हुआ कोई आकांक्षा है गुरु जी से, ये हम कर लेंगे, हमारा जिंदगी का अभी हालत क्या है, हम लोगों का गुरु सेवा कैसा है, हम लोगों का गुरु सेवा का जो भाव कैसा है। भले गुरु जी का सेवा बद्धजीव तब तक करे, जब तक अपना स्वार्थ का हानि ना पहुंचे। अगर स्वार्थ का हानि पहुंचे अपना स्वार्थ का, तो गुरु सेवा का जो नाटकबाजी सब छूट जाता है, सारे छूट जाता है। उस समय गुरु जी का साथ नॉन कोऑपरेशन और सहयोग आंदोलन, आप अपना काम कर लेना, मेरे से नहीं बनेगा, हो गया। फिर आगे चलकर क्या होता है, पहले तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, इसके बाद कंपटीशन, प्रतियोगिता। गुरु जी के हम करके दिखा देंगे, क्या हम नहीं कर सकता, गया। आगे चलकर गुरु जी के साथ कन्फ्रंटेशन, अर्थात कन्फ्रंटेशन, संघात, गुरु जी का साथ अभी लड़ाई लग गया। ऐसा हमारा गुरु जी का सेवा है। गुरु जी अगर हमको इनके आसन दे दे शरीर छोड़ने के बाद, हमको गुरु बना दे, तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब 10-15 साल पहले घटना हुआ, हमारा ही गौड़ीय संप्रदाय का एक साधु अपना परिचय देता है, साधु असली साधु है कि नहीं वो तो भगवान जाने, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं शास्त्रों का प्रमाण का बाहर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इनके एक शिष्य थे बाहर का, इन्होंने गुरु जी को प्रस्ताव दिया, आप जाने के बाद मेरे को गुरु बना के जाना। गुरु जी बोले अरे इन्होंने जो किया इसका शिष्य भी ये करेगा। इन्होंने भी गुरु जी का पास गुरु होने का इच्छा प्रकट के गुरु जी नहीं बनाया, लेकिन इनके शिष्य वो भी हो गया। एक ही बीमारी है ना, एक ही बीमारी तो एक ही है। तो इन्होंने बोला गुरु जी माना नहीं इनके गुरु जी, मेरा गुरु जी तो शुद्ध वैष्णव छोड़ के कोई होता नहीं, हम किसी को गुरु नहीं मानते। और ऐसा अगर विचार किया जाए, दुनिया के हर व्यक्ति मेरा गुरु है अवधूत विचार के अनुसार, क्योंकि हर कोई से मेरे को कुछ सीखना है, इसी विचार में तो हर जगत मेरा गुरु है। लेकिन जो मेरा एब्सोल्यूट मंगल दे सकता है, जिनके जिंदगी में 24 घंटों में 24 घंटा भगवत सेवा में नियोजित है, जो मेरा परम मंगल का विधान कर सकता है, एब्सोल्यूट मंगल, इन्हीं को ही मैं गुरु माना। बाजार का किसी आदमी को गुरु नहीं माना। ऐसे तो जीनारल विचार के अनुसार, परमहंस विचार के अनुसार, अवधूत विचार के अनुसार
जगत का हर व्यक्ति हर वस्तु मेरा गुरु है, क्योंकि हर कोई से हर कुछ वस्तु से मेरे को सीखना है, सीखना है। आय चाहे अन्वय व्यतिरिकाभ्याम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को सीखना है, तो इसमें क्या हर्जा है वो बताओ, कोई बात नहीं। अहंकार विमूरात्मा गन ही कर्मकांडीय बुद्धि, और ये लोग अभ्युदयवादी अर्थात आरोहवादी, ये लोगों का और मोक्षवादी ज्ञानी योगी, ये लोग अपना चेष्टा का अनुसार ऊपर उठना चाहता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु कुरी माने वस्तु तो बुद्धि शुद्धि न है, कृष्ण भक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्ति भी नहीं। ज्ञानी अपने को हम जीवन मुक्त हो गया देखो ऐसा करके चिल्लाता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा कोरी पाइनु कोरी माने वस्तु तो बुद्धि शुद्ध नहीं, शुद्ध भक्ति भी नहीं। अपना तरफ से बड़ा होने का जो प्रयास प्रचेष्टा है इसका नाम है अभ्युदयवादी आरोह पंथा। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, अवरोहवादी आरोहवादी, आरोहवादी लोग ऊपर अपना चेष्टा लेकर ऊपर उठना चाहते हैं, ये लोग अपना ताकत पर भरोसा रखता है। लेकिन वैष्णव लोग जो शरणागत है, अनन्य शरणागत भक्तों, ये लोग का अंदर में अहंकार नहीं है, ये लोग का अंदर में बिल्कुल अहंकार, ये लोग चाहता है क्या हम मैं कौन होते हो, जैसे कृष्णदास बाबा जी महाराज है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने बताया पूरी शेर की ठोईते मुई से लोगिष्ट, पहले बताया कि जगाई मादाई होते मुई से पापिष्टो, पूरी शेर की ठोईते मुई से लोगिष्टो, मोर नाम जई लय तार पाप होय, मोर नाम जई सुने तार पुण्य क्षय, एमन निघिन्न मोरे केवा किबा करे, हैं एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। और भी बताए, वैगुण्य कीट करित पैशून्य व्रण पीड़ित दैनार नव निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय। देखो कितना दैन्य है, ये लोगों का भक्त लोगों का ऊपर चढ़कर हम दिखा देंगे भगवान बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, गुरु जी कहाँ का होते हैं, गुरु जी से मैं अच्छा ब्राह्मण हूँ, हमारा खानदान ऊंचा है गुरु जी से, ऐसा कुत्ता बिल्ली का विचार है, कुत्ता बिल्ली जैसा विचार है ये भोकने वाला। वैष्णव लोगों का पास अगर कोई धोखा देने आए शिष्य बनकर तो धोखा खा जाता है, धोखा देने आता है लेकिन धोखा पा जाता है, धोखा खा जाता है, वो जानते नहीं कृष्ण भक्त शैतानी शैतान, वो जानते हैं मेरा अंदर में क्या है, दुर्वासना है, दुर्वासना है। दुर्वासना निगड़दश निराशस्य, ऐसा हालत है। गुरु वैष्णवगण वांछा कल्प तरु, वैष्णवगण दंडवत पढ़ने का करने का समय में हम लोग क्या बताते, वांछा कल्प तरुश्य की बासिंदु पतितानंग पावने भो वैष्णव्यो नमो। सो वैष्णवगण वांछा कल्प तरु रूप में हर कोई के सामने परिचित हैं, इस सिद्धांतों का अन्यथा होना संभव नहीं है। भागवत जी महापुराण का सप्तम स्कंद में प्रह्लाद महाराज जी का प्रवचन है, यहां बताए नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो प्रणीते जद जद जनो भगवते विदधी तमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य जथा मुखश्री नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते जद जद जनो भगवते विदधी तमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य जथा मुखश्री। मतलब नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो, प्रभु
भगवान अपने लाभ के द्वारा संतुष्ट है, अतः ये आत्माराम है, भगवान आत्माराम है, भगवान का भक्तों लोग आत्माराम है। आत्मनि रमते इति आत्माराम, जो अंतर आत्मा में रमन करते रहते हैं वो आत्माराम। आत्मनि रमते इति आत्माराम। तो ये बाहर का कुछ ही, ये बाहर का कोई वस्तु और व्यक्ति का ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। ये जो आत्माराम है, परमंश है, अवधूत है, ये लोग बाहरी जगत का कोई वस्तु व व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं रखते। ये अपने आप में संतुष्ट है। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते जद जद जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य जथा मुखश्री। तो फिर भगवान एवं भगवान का भक्तों किसी को ऊपर भरोसा नहीं रखते, फिर भी किसी को ऊपर भरोसा, अपना स्वयं संपूर्ण है, किसी को भरोसा, जगत का कोई वस्तु कोई व्यक्ति इनको संतुष्ट नहीं देख सकता। तो फिर इच्छा करके गुरु वैष्णव लोग जब आचार्यों का काम करते, गुरु का काम करते हैं, बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए इच्छा करके इनको सेवा का महलत देते हैं, जबकि ये सेवा करने का लायक नहीं है, क्योंकि गुरु वैष्णव अप्राकृत भूमिका में है। भगवान और गुरु वैष्णव अप्राकृत भूमिका में विचरण करने वाले, बद्ध जीव बद्ध भूमिका में है, बद्ध भूमिका में रहकर अप्राकृत जगत का गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि प्रभुपाद ऐसा भी कहते थे, जिन लोगों का जिंदगी में आत्माराम शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण में निरंतर सेवा वृत्ति का परिस्फुटन अभी तक नहीं भई, जिन लोगों का जिंदगी में ध्यान से सुनना, जिन लोगों का जिंदगी में आत्मतत्वविद परमंश गुरु वैष्णव का चरण में निरंतर अनुक्षण सेवा वृत्ति का परिस्फुटन अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मापिक जनों का संग हमारे लिए अगर अच्छा भी लगता है, बड़ा मधुर लगता है इनका संग, फिर भी ये संग त्याग करना है। प्रभुपाद जी ने बताया, क्या समझ में आया? जिन लोगों का जिंदगी में आत्मतत्वविद परमंश गुरु वैष्णव का चरण में अनुक्षण सेवा करने का वृत्ति अभी तक परिस्फुटन नहीं भाई, जिन लोगों का जिंदगी, ये लोगों का संग बाहरी विचार में जितना ही अच्छा क्यों ना लगे, जितना ही अच्छा मधुर क्यों ना लगे, ये लोगों का संग त्याग करना उचित है। प्रभुपाद जी, चाहे मेरा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, गुरु भाई है, कोई भी है, ये लोगों का संग नहीं करना है हमको, हर वक्त एब्सोल्यूट संग करना है। नैवात्मन बभुर निजला बभुर मानम जना, जब अगर हम गुरु जी का गले में माला डालने के लिए जाए, चरण में फूल डाल, क्या 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 गुरु जी का कोई सुविधा है क्या? गुरु जी का इसमें कोई सुविधा है क्या? मैं तो अपना तरफ से फूल माला लेकर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए जा रहा हूँ, ये तो मेरा बेनिफिट है। ये लोग अर्चन करे ना करे, सम्मान दे ना दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या करे फिर, क्योंकि ये लोग निजलाभपुर वेदांत में आता है। कोई व्यक्ति अगर दर्पण के सामने खड़ा होकर कुछ भाव प्रकट कर रहा है तो
तो जैसा प्रकट कर रहा है वैसा ही देखेगा। इनका अंदर में क्रोध है तो क्रोधित रूप दर्पण में दिखाई पड़ेगा, तो जो अपना रूप है वही दिखाएगा। वेदांतों में ही सूत्र है। दर्पण का सामने जैसा अपना मुख मुंह करोगे, दर्पण का सामने जैसा आप अपना भाव को प्रकट करोगे वैसा ही दिखोगे। साधु गुरु वैष्णव भगवान का हृदय निर्मल एकदम, भगवान तो है ही है, भक्त भगवान का भक्तों का भी निर्मल दर्पण सदृश। इनमें जो अपना कुछ फायदा के लिए आ रहा है, कुछ धंधा पानी करने के लिए आ रहा है कि आचार जो बन जाए, ये करे वो करे फलाना करे। देखो पोपा जी का जिंदगी में भक्ति सिद्धांत तो सिलसिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को समय प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु गौरी मठ का प्रतिष्ठा तमाम जगत में, इतना बड़ा संत महात्मा भगवान का निजी जन नयन मणि मंजूरी, इन्होंने बताया क्या बताया, इन्होंने बताया देखो इन्होंने बताया गुरु वैष्णव के सामने कोई कपट भाव लेके आए तो इसका वही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। कपट भाव लेके आए तो कपट भाव मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया ये यथा माम प्रपद्यन्त तं तथैव भजाम्यहम्, जो हमारा पास जो भाव लेके आता है उसी भाव को मैं कोई कुछ सेवा किया उसको हम रिटर्न देना चाहता है, रिटर्न देना चाहता है। प्रभुपाद कहते थे हमारा ये गौरियो मठ में और थोड़ा खुलासा करके बताओ तो हमारा ये गौड़ियो सोसाइटी में गौड़ियो मठ में अंतर्दृष्टि में गौड़ियो मठ और गौड़ियो सोसाइटी का अंदर में क्या अंतर है महाराज। बोले गौड़ियो मठ वैकुंठ है, मतलब गोलोक वृंदावन, और गौड़ियो सोसाइटी फॉर्मेशन किया गया, एक संगठन किया गया ताकि अपराकृत जगत का साथ जड़ जगत का सब आदमियों को जोड़ने का व्यवस्था करता है सोसाइटी। सोसाइटी इज मेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सेवा। अगर सोसाइटी कुछ दूसरा काम में लग जाए तो सोसाइटी बेकार हो जाएगा। हमने कई बार बताया सोसाइटी इंटरेस्ट एंड मठ इंटरेस्ट इज नॉट सेम। सोसाइटी इंटरेस्ट एंड संप्रदाय इंटरेस्ट, सोसाइटी इंटरेस्ट एंड संप्रदाय इंटरेस्ट नॉट सेम। इसमें वर्तमान युग में कॉन्ट्रडिक्टरी विषय है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का समय जितना सारे हजारों हजारों भक्तों आया, सारे चैतन्य महाप्रभु का चरण में जीवन जिंदगी निछावर कर दिया, कोई अलग सा कोई धंधा लेके नहीं आए, सारे जो आए जो भक्त लोग भगवान का, और थोड़ा सा भी गलती था उसको चैतन्य महाप्रभु संशोधन कर दिया महाप्रभु जी ने। अभी कहने का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में इतना हजारों हजारों भक्त लोग हैं, लेकिन कोई कमेटी फॉर्मेशन करने का जरूरी ये लोग नहीं समझा। क्यों? क्योंकि हर कोई का एक ही मकसद है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में कैसे हम सेवा करूं, टू सीक द सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चैतन्य महाप्रभु का सर्वांगीण संतुष्टि विधान का प्रयास प्रचेष्टा लेकर ये लोग आया था। इसलिए ये लोगों ने कभी समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि कमेटी फॉर्मेशन करो। कमेटी का एक्चुअल मीनिंग है
वर्तमान कॉम्प्लिकेटेड युग में टू रन द मॉट स्मूथली एक मीनिंग है, लेकिन ये तो कोई करता नहीं, ये तो कोई करता नहीं, ये अगर करता तो अच्छा होता, लेकिन करता नहीं। तो एक विशेष माने है, इट इज वन कैन ब्रिजिंग, ब्रिज मतलब अप्राकृत वैकुंठो जगत अर्थात गोलोक वृंदावन गौरी मठ है। ये गौरी मठ को समझना मुश्किल है, जड़ जगत का आदमी को समझा बुझाकर उसको प्रसाद देकर तत्व सिद्धांत भूलकर उसको खींच के लाओ और गौरी मठ का अंदर में प्रविष्ट करा दो, ताकि गौरी मठ के जो अनंत संपत्ति है सिद्धांत वैभव इसको नजर में आए, और कुछ नहीं। हर कोई को बुलाकर बाहरी अट्रैक्टिव मठ मंदिर प्रसाद इसको और कुछ नहीं, अंतर्दृष्टि में लोगों को गौरी मठ का अंदर में प्रविष्ट करा देना, जिसका बारे में प्रभुपाद जी बताए, सरोदेन्दु राय जी ने बताए, आप तो इतना मठ कर दिया, इतना जल्दी 60-50 मठ कर दिया। तो प्रभुपाद ने हंस पड़े, प्रभुपाद बोले 50 मठ, अरे हमारा तो ये इच्छा थी ये हर कोई का हृदय में गौरी मठ का स्थापन कर दूं, आप 50 मठ बोलो, अंतिम में 64 मठ भी बन गया। प्रभुपाद कहते थे हम जीवंत मठ, हमको चाहिए मोबाइल गौरी मठ, अतः हमको चाहिए चलता फिरता गौरी मठ, एक गौरी मठ का एक एक साधु, ये हमको चाहिए। ये मठ तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभुपाद का यह विचार है। प्रभुपाद कहते थे मठ मंदिर में सोसाइटी में कभी कभी शो बोटल जानते हो, हमने कई दिन पहले बताया था, शो बोटल मतलब ये बोतल में कुछ नहीं है, जैसे आयुर्वेदिक दुकान में लाल नील पीला पानी भरकर शोकेस में रख देता है, बाहर का आदमी तो ये दखा रिस्ट है, ये मित्र संजीवनी है, ये मित्र संजीवनी है, ऐसा करके लिखा रहता है। इसमें आदमी क्या होता है, समझ में आता है ये इधर आयुर्वेदिक दवा मिलता है, चलो देखे ये दवा मिलता है कि नहीं, ऐसे आ जाता है। वो बात कहते थे हमारा मठ मंदिर में भी इच्छा करके हमने कुछ शो बोतल को रखा है, शो बोतल में देखने में लंबा चौड़ा हाथी का मापिक शरीर, और काम का कुछ नहीं है, अंदर में अभिमान है। ये लोगों को प्रभुपाद चालाकी करके सेवा में ले, अरे अपना कितना सुंदर कथा बोलते हो, जाओ। प्रभुपाद कहते थे अरे अल्टीमेटली वो लोग तो हमारा पास लाएगा ना, लाने का बाद एक बार समझेंगे, समझा देंगे गौरी मठ क्या है, गौरी मठ पहले तो लाए, शो बोतल जरूरी है, शो बोतल मतलब देखने सुनने में बड़ा एकदम जबरदस्त है, लोगों भेज दो। जैसे हाथी पकड़ने के लिए स्त्री हाथी को ट्रेनिंग देके एकदम कितना सुंदरी है यह हस्तिनी, इसको यूज किया जाए, हस्तिनी को देखकर हाथी पीछे पड़ जाता है, पढ़ते पढ़ते बाद में लपेट में आ जाता है, बस बंधन में आ जाता है, और क्या बंधन में आ जाता है। ऐसा माफिक प्रभुपाद चालाकी करते थे, भले ये सब सो बोतल है, ये लोग सम्मान चाहता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, चलो ये लोग, अरे आपने आप जैसा हरिकथा बोलते कितना, जाओ जाके फिर प्रचार करके लाते हैं। ऐसे तो बद्ध जीवों का द्वारा प्रचार तो होता नहीं, फिर भी इट्स लाइक प्रीचिंग है, प्लेटफॉर्म स्पीकिंग हो गया। वो लोग लाया, लाने का बाद प्रभुपाद का दर्शन किया, प्रभुपाद चरण में आत्मनिवेदन किया, बस हो गया, प्रभुपाद का देखने का साथ निष्पाप हो गया, बस हो गया। ऐसा करके गुरु वैष्णव कभी कभी चालाकी करते हैं, इच्छा करके, कि नहीं करने से मठ मंदिर में हर किस्म का आदमी आता है, ये लोगों को हार्मोनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर जोर जबरदस्ती करने जाओ तो कर्म कांडी बन जाएगा। पोपत कहते थे किसी को अगर जोर जबरदस्ती करो इसका इच्छा का खिलाफ, इट्स वन काइंड ऑफ कर्म कांडी, भक्ति नहीं है,
भक्ति नहीं होगी। इसलिए चलो ये अगर हम हमारा माने अनुगत करे 100% परिपूर्ण रूप से अनुगत करे तो इसी जन्म में उसका मंगल। लेकिन परिपूर्ण अनुगत करने वाले दो एक मिल सकता है, जैसे बामन गोसी महाराज, तीर्थ महाराज, भारती महाराज, सब मिल सकता है आपको, दो चार एक मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर तो अन्नविलास ही है। इन लोगों को बोका बनाने के लिए और गुरु वैष्णव बड़ा सावधान हो जाते हैं कि ये लोग गिर ना जाए हमारा विरुद्ध में, प्रकाश रूप में मेरा विरुद्ध जाकर ये गिर जाएगा। कम से कम मेरा स्नेहों को समझे, सोचे समझे, कम से कम। जैसे हमारा परम पूज्यपाद सिद्धोदय गोस्वामी महाराज कहते थे, परम सिद्धोदय गोस्वामी महाराज कहते थे, परम सिद्धोदय गोस्वामी महाराज कहते थे, गुरु वैष्णव का साथ किसी का अगर थोड़ा सा भी संबंध बन जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा, अब भजन नहीं कर पाया, गिर गया, फिर भी थोड़ा बहुत संबंध बन गया, तो जब व्यवहारिक संबंध थोड़ा हो गया, थोड़ा बहुत तो हुआ, और पारमार्थिक अगर पक्का नहीं हो पाया, फिर भी तो कुछ ना कुछ तो हुआ। मेरा गुरुजी तो कहते हैं, मेरे को तो गुरुजी कहते हैं ना, तो बद्ध जी किसी भी हालत से सोरा संबंध जोड़ ले थोड़ा सा, ये जन्म जन्म इसको अगर अपना कर्म फल के अनुसार भटकना पड़े, फिर भी गुरु वैष्णव उसको खींच के लाएगा, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसु, किसी भी हालत से लाएगा। तो इन लोगों का पास एक जादू रहता है, एक व्यवहारिक जादू, जिसका बारे में संदर्भ में बोला गया जीव को सिफात प्रणनम सर्व, प्रणनम सर्व जगताम, प्रणनम सर्व जगताम, रसामृत तो सिंधु में भी बताया हमारा रूप गोस्वामी, प्रणनम सर्व जगताम। गुरु वैष्णव का आनंद अंदर में ऐसा एक चमत्कार रहता है, हर व्यक्ति सहता है कि हर व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को प्यार करता है ज्यादा। तो ठीक है, गुरु जी जानते हैं इसका अंदर में अन्न विलास है, ये गुरु बनना चाहता है। हमने खोद देखा किसी वर्तमान आचार्यों का, पहले का कहानी बता रहा हूं, इनके इनके दादाजी, इनके दादाजी गुरु जी को प्रार्थना किया जो मेरा पोता को आप आचार्य बनाना। मैं कसम से बोल रहा हूं, वैशासन में बैठ के गुरुजी अगर ये बात मेरे को नहीं बोला होता तो मैं गुरुजी को गलत समझता। गुरुजी खुद बोल दिया एक दिन, क्या करे मेरे को बोला, मैं वैष्णव आदेश पालन किया करके बनवा दिया, क्या करे। कभी कभी गुरु वैष्णव लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वज्राद भी कठोरानी कुसुमांद भी कोमलानी, ऐसा वज्र से भी कठोर है और कभी कभी कुसुम से भी कमल है, मक्खन से भी कमल है, लोकोत्तर व्यवहार है लोगों का। ये लोगों का व्यवहार समझ में नहीं आता, क्यों कब क्या, कब क्यों किस लिए कर रहा है ये सब। कभी कभी हमारा चरम मंगल विधान करने के लिए, कभी कभी मेरा चरम मंगल का विधान करने के लिए अमाया अमाया निष्कपट रूप से मेरे ऊपर कृपा कर देता, ताकि मेरे को आचार्यों का ना आसन मिले, अभी पैसा संपत्ति ना मिले, दुनिया का आदमी जो जिसका पीछे दौड़ता है इसको ज्यादा से भी प्रतिष्ठा ना मिले, ऐसा कर दे। हमने सोचा नहीं, हम मूर्ख है, हम सोचा कि गुरुजी मेरे को प्यार नहीं करता, गुरुजी ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मेरे को संपत्ति नहीं दिया, मेरे को आचार्य नहीं बनाया बाहरी विचार में, क्योंकि अगर बना दिया होता तो हम गिर जाता, मर जाता। और जिन्होंने गुरु जी का सेवा में आया है कि हम आचार्य बनेंगे, ऐसा तैयार करके आया है जिंदगी में, गुरु जी क्या करे। एक तरफ है वैष्णव लोग आदेश किया इनको आचार्य बनाना, एक तरफ ये खोद चीट किया गुरु जी को, ये बोला ठीक है तू अगर धोखा देना चाहते तो धोखा खा जा, हमारा क्या कसूर है इस जन्म, नहीं तो अगले जन्म किसी जन्म में तेरे को उद्धार करूं। चलो वो आचार्य जो बनना चाह बन दिया, बना दिया।
बाहरी आदमी सोचते रहता है कि इतना बड़ा तत्वविद है, इतना बड़ा तत्वविद है, क्या इन लोगों को मालूम नहीं था, कैसे इसको आचार्य बना दिया महाराज। बोले यही तो बात है, एक क्यों का क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब गुरु वैष्णव के साथ आप एकाकार हो जाओगे। इफ यू कैन हार्मोनाइज योर हार्ट विद गुरु वैष्णव कंप्लीटली देन यू कैन रियलाइज, तब समझ में आएगा क्या बात है। भगवान का अंदर में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, उसी दिन अंग्रेजी कथा में मैं कहता था, भगवान का स्वभाव है भगवान कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो 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 किसी ने जो कुछ भी किया भगवान आभारी मानते, अरे ये तो मेरे लिए ये किया। इसीलिए भगवान गीता ने बताया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्यहम्। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्यहम्। इच्छा करके भगवान ने बताया, लेकिन क्या ब्रजवासियों के बारे में ऐसा बताया, गोपियों के बारे में क्या है बताया? नहीं बताया। क्यों? भगवान जानते हैं ये लोग कुछ नहीं लेगा, ये लोग मेरे से कुछ नहीं लेने वाला है। चैतन्य जी का सिद्धांत तो क्या है, ब्रजवासी स्वाभाविक पति कृष्णपति, कृष्ण तो स्वाभाविक पति ब्रजवासी पति, ये स्वाभाविक रूप में स्पॉन्टेनियस लव एंड अट्रैक्शन फॉर ब्रजवासी, और ब्रजवासी का भी कृष्ण के लिए स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। जिन लोगों का जिंदगी में, जिस भक्तों का जिंदगी में गुरु जी का लिए ऐसा मैं भी स्पॉन्टेनियस अनुक्षण गुरु जी का दर्शन, गुरु जी का उठना बैठना चलना सारे याद में आता है, ये तो सिद्ध महात्मा है, इनका तो सिद्ध भूमिका है। कुछ ही दिन पहले मैं अंग्रेजी कथा में बोल रहा था, क्या बोले महाराज, द्रोणाचल पर्वत का सामने, द्रोणाचल या मैनाक, द्रोणाचल पर्वत का सामने, द्रोणाचल पर्वत से हनुमान जी को प्रश्न किया। आप सोचोगे द्रोणाचल पर्वत कैसे प्रश्न, आपका मेटेरियल बुद्धि है, जैसे हिमालय का कन्या है, हिमालय का कन्या कौन है, पार्वती, सती देवी सरी छोड़ के हिमालय का लड़की रूप में पर, तो हिमालय का स्पिरिचुअल स्वरूप है, मैनाक पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, गंधमा, सबका स्पिरिचुअल फॉर्म है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी कृष्णा हब सब स्पिरिचुअल स्वरूप है सब। तो ये हनुमान जी महाराज को प्रश्न किया, महाराज सनातन धर्म ये सब बातें सुनाई पड़ता है, सनातन धर्म ये क्या, ये सनातन धर्म क्या है, थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें। हनुमान जी महाराज जी ने बताए, देखिए सनातन धर्म उसी को बोला जाता है जहाँ हर आदमी अपना आभार प्रकट करते हैं, आपने ये किया, आहा आपने ये किया मेरे लिए। इसका माने क्या है, कृते पतिकृतम एष धर्मो सनातन, कृते पतिकृत, हमारे लिए कोई कुछ भी किया इसका लिए मैं आभारी हूं, पिता माता भाई बंधु हैं, पाठशाला का गुरुजी, कुछ भी किया है मेरे, तो इसका नाम है सनातन धर्म। जिसका जिंदगी में कृतज्ञता बोल के कोई प्रसंग नहीं है वो तो डाकू है, वो लाचार है, वो तो राक्षस है, असुर है, उसका बात तो मैं कह नहीं सकता। वैष्णव राज्य में हर पल पल में ईच एंड एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड फॉर आवर गुरुवर्ग, हमारा भगवान गंगा तुलसी गौ माता हर वक्त कृतज्ञ, कृते पतिकृतम एष धर्मो सनातन। और वैष्णव लोगों का भगवान का चरण में
सेवा करना यह प्रसंग है, इसके द्वारा तमाम बंधनों से छुटकारा ऐसे मिल जाता है। माने कहने का मतलब है, अ वैष्णव कैन नॉट हैव एनी ड्यूटी एक्सेप्ट भगवत सेवा, अर्थात भगवत वैष्णव गुरु वैष्णव भगवत सेवा नाम सेवा, माने भगवान का साथ जुड़ा हुआ से, ये छोड़कर कुछ है नहीं। इसीलिए नारद जी महाराज जी भागवत जी महापुराण में बताया, जथा तरर मूल निषेचने न तिप्पन्ति तस्कंद भुजोपहारा प्राणोपहारस्य जथेन्द्रियाणाम सर्वयो और हरणम अच्युतैज्या। क्या बताया, जथा तरर मूल निषेचने न तिप्पन्ति तस्कंद भुजोपसाका प्राणोपहारस्य जथेन्द्रियाणाम सर्वयो और हरणम अच्युतैज्या। जगत का जहां भी जो कुछ भी मेरा ड्यूटी था है वह पहले रहा, सारे खत्म हो जाता है भगवान के चरण में भक्ति करने से। तो कीते पतिकृतम ईश धर्म सनातना, अगर कोई कहे क्या वो वैष्णव तो भगवान का सेवा में लग गया, क्या पिता माता का सेवा किया नहीं, आप समझा नहीं बात को। मैंने बोला भगवान का चरण में सेवा करने से पिता माता भाई बंधु समाज संस्कार इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का सेवा हो जाता है। प्रणनम सर्व जगताम, गुरु वैष्णव तमाम जगत को संतुष्ट कर सकता है, तमाम जगत ना असुर राक्षस असुर छोड़कर बाकी सबको जिन्होंने अपराध नहीं किया गुरु वैष्णव चरण में बाम धाम नाम का चरण। प्रणनम सर्व जगतम मतलब चारों ओर का जो परिवेश है, चारों ओर का जो परिवेश है वातावरण, सारे शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुकूल हो जाता है अंतिम में। बाहरी दृष्टि में कभी कभी प्रतिकूल रहता है, लेकिन ये प्रतिकूल नहीं है, प्रतिकूल रहता है बाहरी दृष्टि में, लेकिन असली बात है ये प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल को अनुकूल दर्शन करने का जो क्षमता, प्रतिकूल विषय को अनुकूल समझने का जो क्षमता, यही है महापुरुष का लक्षण। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटा रहा है, हरिदास ठाकुर आनंद में विराजमान है हरिनाम। यहां तक बताया, देहो यदि हाय देहो यदि जाय होए खंडो खंडो, हमारा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दो मार के, फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ सकता। किसी अवस्था में रखे, इसी अवस्था में हर वक्त प्रसन्न रहता है। किसी अवस्था में प्रहलाद महाराज इतना अत्याचार, फिर भी प्रसन्न है। प्रसन्नता ही भक्ति का मूल सिंटम है। प्रसन्नता नहीं है तो संतुष्टि कहां से होगा। हमारा वृंदावन में एक कहावत है, हैं? एक कहावत है, क्या कहावत है, संत महात्मा लोग तो कोई आशा नहीं रखते, जैसे रखे ठाकुर जी, कभी हैं कभी घना घना बहुत कुरी फचूड़ी से एक आपका गोवर्धन पूजा का दिन थोड़ा प्रसाद पा लिया, गिरिराज महाराज जी का कुरी फचूड़ी पूड़ी कचौड़ी थोड़ा दे दिया, अरे गिरिराज का प्रसाद समझ के पा लिया। अब फिर उसका दिन कुछ नहीं मिला है, कभी घना घना कभी मुट्ठी चाना कभी ओवी माना, कभी घना घना बहुत एकदम खा लिया प्रसाद भगवान का पाया है थोड़ा दे दिया ठाकुर जी गिरिराज का प्रसाद पा लिया, कभी घना घना कभी मुट्ठी चाना, एक मुट्ठी चाना और कभी ओ भी माना कुछ नहीं। जैसा हमारा सनातन रूप जी, कभी घना 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 तो ये लोग खाते नहीं थे बिल्कुल, शुद्ध वैष्णव लोग खाता नहीं, थोड़ा सा उठाकर तुलसी उठाकर खा लेते पा लेते, यही है। शिल रूप गोस्वामी पास सनातन गोस्वामी लोग के बारे में क्या लिखा है बताओ, रघुनाथ दास भाई क्या क्या बताए बताओ, वहां लिखा है
शंखा पूर्वक नाम गान नतिभी कालावसानी कितो निद्राहार विहार का दिविजितो चातांत दिनो चजो बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। क्या खाते हैं? एक मुट्ठी भर चना खा लिया, वजन हो गया। कभी रोटी पाया, टिकिया, ऐसा ही हालत है। तो द्रोणाचल पर्वत जी को हनुमान जी ने उत्तर दिया, कृते प्रतिकृतम एष धर्म सनातन। हमारा कृतज्ञता नहीं है, गुरु जी को धक्का लगाकर गुरु जी का जो आसन है मैं दखल लेना चाहता हूं। कितना बड़ा साधु बन गया मैं। गुरु जी सोचते रुक जा, रुक जा, आसन लेना चाहता है ना, ले ले, है इसी को आचार्य कर दिया मैंने, जा जा जा, इसी को आचार्य कर दिया। क्यों? इन्होंने गुरु जी का बहुत सेवा किया, आपको जानकारी है नहीं, बहुत सेवा किया, कपड़ धोया, टट्टी पेशाब हटाया, बहुत सारे सेवा किया हैं। हर कोई तो, हर कोई का भाव तो ईश्वरपुरी का, ईश्वरपुरी पाद का मापिक नहीं हो सकता। ईश्वरपुरी पाद जी ने सेवा किया, निस्वार्थ सेवा किया, कुछ मांगा नहीं, इसीलिए गुरु जी इनको भरपूर संपत्ति दे दिया। माधवेंद्रपुरी पाद जी का जो हृदय में जितना सारे गुप्त संपत्ति है सारे उजाड़ करके दे दिया, किसको? ईश्वरपुरी पाद को। लेकिन बाकी आदमी को कोई पता नहीं। हर आदमी बोलता है अरे महाराज ये भी तो शिष्य है, रामचंद्रपुरी, ब्रह्मानंद भारती, सब ये सब तो शिष्य है। लेकिन कौन शिष्य है कौन जाने, कौन शिष्य है कौन जाने। हमारा किताब में लिखा हुआ है श्री अद्वैत गोसाई जी श्री माधवेंद्रपुरी पास से दीक्षा लिया है। नित्यानंद प्रभु, कोई कोई आदमी बोलता है कि माधवेंद्रपुरी पास से, कभी कभी कोई बोलता है ना लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति बोल के एक है उनसे लिया है। और जो भी है ये तो बलराम है ही है, अनंत ब्रह्मांड का ईद गुरु है, किससे दिखा ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है तो फिर कृतज्ञता, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। एक कृतज्ञता जिसका अंदर में नहीं है, जितना भी वर्ल्ड फेमस पिक्चर हो वो मक्कार है, धोखेबाज है। जितना भी वर्ल्ड क्लास पिक्चर है प्रचार नहीं है, जिन्होंने अपना सामने प्रचार करने में समर्थ नहीं हुआ, ही इज फेलियर टू प्रीचिंग, ही इज फेलियर टू प्रीच इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ, हाउ यू कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज द मेन क्वेश्चन। हो ही नहीं सकता। इसका लेखनी, इसका राइटिंग, इसका प्रवचन, इसका व्यवहार, इसका हाथों का जो कीमती कीमती सब ज्वेलरी अंगूठी है, ये सारे प्रमाण देते ही इस विषयी, ये विषयी है। दस अंगुल में एक हीरा पन्ना चुनी, दुनिया भर का नवोग्रह को एक अंगुली में रख दिया, अंगुली में रख दिया। क्या ये साधु हो सकता, ये साधु हो सकता का? भग जिसका भगवान को वह भरोसा है ही नहीं। साधु का अंतर लक्षण क्या है? साधु का सबसे बड़ा पिवोटेड सेंट्रल पॉइंट, सबसे बड़ा जबरदस्त जो लक्षण है जिसको स्वरूप लक्षण, ये क्या है? कृष्ण ही का शरण, नाम गाने सदा रुचि, कृष्ण ही का शरण। यही नहीं है इनके जिंदगी में, यही नहीं है तो क्या ये कौन सी इंटरनेशनल प्रचार हो गया, प्रचारक बन गया? इनका जिंदगी में यू कैन नॉट प्रूव इट, आप प्रमाण नहीं कर सकता कि इंटरनेशनल सा प्रचारक है। आओ आओ सामने प्रचार करो, देखो देखाओ कैसे प्रचारक है। जिनके जिंदगी में ईर्षा मास्टर जो है, हिंसा है, विद्वेष है, तमाम वैष्णवों को गाली गलाज किया, काली कितना अपमान किया, पर पल में, पल पल में जिसका कोई सिद्धांत विचार कुछ आता ही नहीं, जबान पे गलती लिखता है, गलती बोलता है,
देखाओ लाओ उनके लेखा लाओ उनका प्रवचन लाओ 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 सामने लाओ हम दिखा देंगे। तो ये धोखेबाज है तो धोखा खा गया, ये धोखेबाज है तो धोखा खा गया। धोखेबाजों को धोखा मिलता है, धोखेबाजों को धोखा ही मिलता है और क्या। तो जिन्होंने गुरु जी का सेवा करके बहुत सेवा किया, रसोई किया, कपड़ा धोया, बिस्तारा सापा कुछ भी किया, वो करके अंतर में गुरु होने का वासना छुपा के रखा। गुरु जी सब जानते, आप बार बार बोलते गुरु जी मेरे को आपका, गुरु जी ने सोचा रे ये कृपा नहीं है। मैंने बार बार कहते रहते हैं जिन लोगों को गुरुजी करोड़ों 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 रुपया दिया है ये कृपा नहीं है, इट्स वन काइंड ऑफ कार्ड्स। जिनका ऊपर गुरुजी असंतुष्ट है, ये मेरा आसन लेना चाहते हैं, इससे बढ़कर बड़ा पनिशमेंट हो ही नहीं सकता, इनको गुरु बना दो। श्रील भक्ति वल्लभ गोस्वामी महाराज जी ने एक कहानी बोलते थे रामायण से। एक दिन मैं अपना दुख भरे नाले सुनाए गुरुजी, माने तीर्थ महाराज जी को बहुत प्यार करते थे, अकेला घर में कोई नहीं है। हम बोले देखो गुरुजी ऐसा ऐसा चल रहा है। महाराज जी बोले देखो रामायण में एक प्रसंग आता है, एक कुत्ता रोते रोते राम जी का दरबार में आया है। ये तो राम जी का दरबार है, इसमें सब कोई का अधिकार है, सब प्राणी का। तो अंतिम में सारे विचार हो गया, और कुत्ता रोते रहते राम जी बोले क्या हुआ तुम्हारा, किस विचार के लिए आए हो। महाराज विचार करो, क्या विचार करे। बोले हम जिस ब्राह्मण का घर में रहता है इसका इतना सेवा करता है क्योंकि मेरे को लेकिन मेरे को पिटाई करता है। तुमने जरूर कुछ किया होगा हरकत। नहीं हम कुछ नहीं करते, हम गेटों में बैठे रहते और वो कभी भी हमको देखे का चप्पल जूता लाठी देखे एकदम आज तो मेरा हड्डी टूट गया, अब देखो कैसा पिटाई किया। अच्छा ऐसा बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए। अरे हाँ ऐसे ही पिटाते, हमको दो दो रोटी का टुकड़ा देता कि नहीं देता, मैं अपना मालिक समझ के रहता हूँ लेकिन ये मेरे को पिटाता है। अच्छा ठीक है चलो, क्या पनिशमेंट देने से तुमको संतुष्ट मिलेगा, तुम्हारा अंतरा है बोलो कैसे संतुष्ट बने। अरे महाराज इसको उसी मठ का आचार्य बना दो। अरे आचार्य बना दे इसमें तुम्हारा क्या होगा है, तुमको जो मतलब की बात करो। अरे तुम मतलब की बात करो, तुमको शास्ति दिया है, कष्ट दिया है, हम भी उसका कष्ट। नहीं नहीं महाराज, हम पहले एक मठ का आचार्य था, आचार्य होने से निरपेक्ष भाव को कायम रखना मुश्किल हो जाता, उसी में बस पनिशमेंट मिल जाता है। निरपेक्ष भाव, निरपेक्ष नहीं ले धर्मो ना जाए रक्षण है। जब तक निरपेक्ष भूमिका में कोई उतार ना सकेगा तब तक वैष्णव धर्मो भागवत धर्मो ये सब पालन करना मुश्किल, यहाँ तक कि सामाजिक धर्म भी न्यूट्रल प्रसंग में जाना पड़ता है। निरपेक्ष नहीं होइले, निरपेक्ष ना होइले धर्म ना जाए रक्षण, निरपेक्ष नहीं होने से धर्म का रक्षण बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो फिर उसको उस मठ का आचार्य बना दो, कि आचार्य होने से वो गलती करेगा ही करेगा। वो हमको मालूम है जो गुरु जी से एकाकार नहीं हो गया, जिनका जिंदगी में गुरु जी का साथ एकाकार भूमिका, अर्थात गुरु मुख पद्म वाक्य हिदायत करिया वैक्यो आरना करियो मुने आशा, ऐसा टोटली हार्मोनाइज जब तक ना हो तब तक गुरु जी का साथ मेरा चिंता भावना सिद्धांत आचार विचार का पार्थक्य रहता ही है, क्योंकि गुरु जी का साथ हार्मोनाइज कर नहीं कर सके। तो ऐसा हालत में गुरु जी सोचा ये इतना बदमाश है, इसको तो शास्ति देना है। कैसे शास्ति दे, बोले बाहरी विचार में शास्ति देने जाए तो ये तो उल्टा हो जाएगा,
ये तो मेरे को गाली देगा, मेरा विरुद्ध में चला जाएगा और भी अपना सत्यानाश कर डालेगा। लेकिन चुपके से उसको शास्ति दे दे, चुपके से इसको शास्ति दे दे, हंसते हंसते शास्ति दे दे। वो शास्ति क्या है? अरे तुमको आचार्य ने नहीं कर दिया, तुमने आचार्य मांगना? हाँ गुरु जी, अच्छा ठीक है अब आचार्य बन जाओ, ठीक है हाँ आचार्य बन जाने। आप जानते नहीं हो कितना बड़ा पनिशमेंट दे दिया, कितना बड़ा पनिशमेंट दे दिया। किसी डाकू ने अपना जो परिकर है, एक डाकू है भयंकर, जैसे फूलन देवी है, नाम सुना है ना, बिरप्पा चंदन चूरी करते थे दक्षिण भारत के जंगल, बड़े बड़े गुंडा, राजस्थान का एक गुंडा था, ये सारे ये लोग इतना निष्ठुर है, ये लोग इतना निष्ठुर है, इतना हार्टलेस है कि मत पूछो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो निष्ठुर है, लेकिन गुरु वैष्णव तो निष्ठुर नहीं है। गुरु वैष्णव निष्ठुर नहीं है, चाहता है मंगल लेकिन ये चाहता नहीं। अब वांछा कल बुद्ध लिखा है, जो वांछा किए करके सेवा किए उसका तो देना ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ब्रजवासी कुछ नहीं दे पाया, न पारे अहम निरवद्ध संयुजम विबुदायु साफिव जामा अभजनो दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तदव प्रतिजात साधुना। बोल दिया ना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, इतना निष्ठुर ये डाकू है, डाकू का सरदार, ये हंसते हंसते गोली मार देता है, हंसते हंसते हा 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 हंसते मजाक उड़ाते ठा 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 गोली करके मार देगा, ऐसा निष्ठुर है। लेकिन गुरु वैष्णव ऐसा निष्ठुर नहीं है। गुरु वैष्णव सोचे, ये जो आकांक्षा लेके मेरा इतना सेवा किया, इसको पैसा दे दे। इन्होंने पैसा मांगा ना, करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया। किसी ने पैसा भी मांगा और फिर आचार्य का पद भी मांगा, ठीक है ले ले। इतना सेवा किया कैसे चुकाए, इन्होंने चाह और भी बांछा कर, मैं जानते ही अमंगल करेगा और शास्ति डायरेक्टली देने जाए, एक थप्पड़ लगाए तो उल्टा मेरा विरुद्ध में संग्राम शुरू कर दिया, मेरे को ही मार देगा, तो इसका मंगल कैसे होगा। ठीक है, अपना जो मांगा है, शंकर भगवान जैसे एक उदाहरण दे दे, शंकर भगवान का पास अगर किसी ने कुछ मांगा असुर लोगों ने, ठीक है ले ले, तूने मांगा है, मेरा क्या कसूर है। लेकिन वास्तव शंकर का कृपा जिसका ऊपर हो, वास्तव कृपा शंकर का जिसका ऊपर हो, उसको भक्ति छोड़कर कुछ नहीं देने वाला। जैसे आपका ये जो क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्णो जो प्रचेतागण को जो कृपा कर दिया, रुद्र गीता बताया, शंकर भगवान ने मेरे को कृपा किया, पहले आज से 40 साल पहले 50 साल पहले मैं कुछ मांगता था शंकर भगवान से, बाद में पता चला ये मांगने से कुछ नहीं होता, ये अपने आप उचित समझ के जो देगा वही ठीक है, बाद में मांगना शुरू बंद कर दिया। ब्रिकासुर इन्होंने मांगा है, ये वैष्णव राज है, मांगा है, अरे क्या मांगते हो, बोले हाँ बोले कृपा कर दो, कौन सी कृपा, बोले हमको बर दे दो, कौन सी बर, बोले जिन जिन का माथे पे सर पर हाथ रखूं मैं वो मर जाए, बोले ये भी कैसा बर है भाई, ये भी कैसा बर है, ये पागलपंती है, कुछ दूसरा मांग ले, नहीं दूसरा नहीं चाहिए, यही चाहिए, अरे इससे क्या होगा तेरा फायदा, बोले यही चाहिए हमको, यही चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी आया, हमको अमर बना दो, अरे अमर थोड़ी होता है, मैं भी अमर नहीं हूं, कैसे तेरे को अमर बनाए, दूसरा कुछ मांग ले, नहीं दूसरा नहीं चाहिए, फिर चले हम। बाद में फिर तपस्या किया, ब्रह्मा खींच के आ गए, बेटा क्या चाहिए,
हमको आशीर्वाद कर दो, हमको हमको आप हमको एक वर दे दो। कौन सी वर? भले भले हमको अमर बना। अरे तेरे को तो पहले ही बताया, फिर वही बात, पहले ही बताया अमर नहीं किया जा सकता है। ये दुनिया में 14 भुवन में अनंत ब्रह्मांड में कोई अमर नहीं, सब कोई के जाना पड़े, आज नहीं तो कल। तो दूसरा कुछ मांग ले, ठीक है चलो ऐसा कर दो, एक एक करके मैं वर मांगू। आपका सृष्टि, आपका सृष्टो, आपके द्वारा सृष्ट सृष्ट किया गया कोई प्राणी मेरे को नहीं मर सकता, तथास्तु। कोई अस्त्र शस्त्रों से मेरे को मारा नहीं जाएगा, तथास्तु। रात और दिन किसी भी समय में मेरे को मारा नहीं जाएगा, तथास्तु। आसमान में, जमीन में और धरती पे, किसी भी जमीन में या आसमान में किसी जगह मेरे को मारा नहीं जाएगा, तथास्तु। अरे सब तथास्तु कर दिए है, ना रात ना दिन किसी समय मेरे को मारा नहीं जाएगा, तथास्तु। ये सोचा, ये सोचा ब्रह्मा जी बूढ़ा है, उम्र वाले, उसका बुद्धि खराब है। इन्होंने सोचा, अरे भगवान इतना चतुर है तो तेरा सारा कंडीशन फुलफिल करके नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को मारा, मारा नहीं, बोलो क्या बेनिडिक्शन मारा था, क्या मनाया था? वो रात और दिन किसी समय मारा नहीं, गोधूली लग्नो, जब रात भी नहीं है दिन भी नहीं, ना जमीन में ना आसमान में, ना कोई अस्त्रों के द्वारा शस्त्रों के द्वारा है, ना नृसिंहदेव तो ब्रह्मा का सृष्टि का अंदर का कोई प्राणी नहीं है, सारे कंडीशन फुलफिल कराकर इसको मार दिया। तो ये जो लोग गुरु जी का आसन मांगता है वो लोग जानता नहीं कितना बड़ा विपत्ति आ सकता है, कितना बड़ा विपत्ति तमाम जीवों को जिसको दिखा दे रहा है, सबका जुमा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा भजन बल नहीं है, तुमको पीस पीस के मारेगा, पीस पीस पे मरना पड़ेगा, तुम जानते नहीं हो। तो गुरु जी सोचा, ये बार बार पीछे लगा हुआ मेरे को आचार्य जी बना, ठीक है आचार्य जी बना देंगे, तो इससे बढ़कर तो शास्त्री तेरे को देना मुश्किल है, एक घुमा फिरा कर शास्त्री दे देंगे। और शास्त्री देने के बाद जब खुद समझेगा कि हाँ गुरु होने का परिणाम ये है, हाँ अभी समझा गुरु होने का परिणाम ये है, तब आगे कोई जन्म में मैं इसको उद्धार कर दूं। इसीलिए मांगा तो मांगा, ठीक है ले ले। क्या आप लोग सोचते हो कि गुरु जी बोका है? आप लोग सोचते हो, डू यू थिंक गुरु जी इज अ फुलिश मैन? पोपा चलाकी करके जिसका पैसा का नशा है, बोलते थे अच्छा एक काम करो, ये थोड़ा ये प्रणामी देखे गया, अभी मेरा रखने का जगह नहीं है, ऐसा करो ना तुम्हारा पास रख लो है, बाद में हम जब जरूरत पड़े मांग लेंगे। हम मांगा नहीं, क्योंकि पोपा को मालूम है इसको पैसा का नशा है, इसको जनानी का नशा है, इसका प्रतिष्ठा का नशा आप जानते हैं। अकॉर्डिंगली गुरु जी जाने अनजाने में पनिशमेंट देता है, जाने माने हम लोगों का जाने, वो तो जानता ही, गुरु जी तो जानता ही होगा, शास्त्री दे रहा जानता है। ऐसा करके हमारा संप्रदाय में भी कभी कभी नालायक आदमी को आचार्य बनाने का इतिहास देखा जाता है, नालायक आदमी को आचार्य बनाने का जो इतिहास है ये देखा जाता है। क्या करे, क्या करे बताओ, कर दिया मर। लेकिन आदमी सोचता है कि क्या ये इतना बड़ा तत्वविद है, इतना कठोर है, इतना सिद्धांत खंडन किया, मायावाद खंडन किया, अपना शिष्य जो मायावादी है हमारा आपका आसन लेना चाहता है, क्या उसको शास्ति नहीं दिया? हाँ शास्ति दिया, हाँ शास्ति दिया, यही तो शास्ति है, यही तो शास्ति, इससे बढ़कर तो शास्ति हो नहीं सकता। हम तो गुरु जी का चरण में पड़े, गुरु जी मेरे को गुरु मत बनाओ। आप वो बात कहते थे गुरु होना जरूरी है लेकिन गुरुगिरी करना उचित नहीं है, पोपात का बात समझा?
प्रभुपाद कहते थे गुरुगिरी करना उचित नहीं है, लेकिन गुरु गुरु होना जरूरी है। हर कोई अगर बोले, हर कोई अगर बोले मैं लोगु रह जाऊं, लोगु लोगु रहने के लिए क्या भजन में आया है? आप लोगु रहने के लिए क्या भजन में आया है क्या? किस लिए? गुरु बनने के लिए। मतलब अपने को गुरु मत समझो, गुरुगिरी मत करो, लेकिन गुरु तो जरूर होना है। हरि कथा बोलना है, कीर्तन करना है, लोगों को समझाना है, ये तो गुरुगिरी है। गुरु गुरु का काम है, लेकिन गुरुगिरी नहीं है। बिल्कुल अंदर से शत प्रतिशत गुरु होने का कोई वासना नहीं है, जबी इनके जबान में हरि कथा निकल रहा है। गुरु होने का कोई वासना है ही नहीं। वासना तो दूर की बात है, गंदगी तक नहीं है। इसीलिए तो इनको भगवान ने गुरु बना दिया। अंतर्दृष्टि में भगवान किसी संत महात्मा को अपने आप गुरु बना देता है। माधवेंद्र पुरीपाद भागना चाहता है, माधवेंद्र पुरीपाद को भगवान प्रतिष्ठा गुरु बना दिया। गुरु का प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठार भये पुरी जाय पालैया, प्रतिष्ठार स्वभाव यही जई ना चाहे और तार विधाता निर्मित। क्या ईश्वर पुरीपाद गुरुगिरी करना चाह? क्या माधवेंद्र पुरीपाद गुरुगिरी करना चाह? क्या श्रीनिवास आचार्य जो गुरुगिरी करना चाह, श्यामानंद बहु गुरुगिरी करना चाह, है नौतम ठाकुर गुरुगिरी करना चाह? आप प्रमाण करो, किसने गुरु बनाया, किसने अभिषेक किया नौतम ठाकुर? अपने आप हो गया। ये तो सेल्फ मेड नहीं, भगवत मेड, भगवान के द्वारा ये लोग आचार्य का आसन अलंकृत किया। भगवान ने गुरु बनाया, प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने गुरु बनाया। तुम कौन होते हो गुरु बनाने का? तुम कौन होते हो? एक बद्ध जीव दूसरा बद्ध जीवों को गुरु बना सकता है? इसलिए पोपा जी ने बताया आ गुरु कैन नेवर बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड। गुरु को इलेक्शन और सिलेक्शन के द्वारा गुरु निर्णय करना संभव नहीं। प्रभुपाद बार बार कहते थे आ गुरु कैन नेवर बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड थ्रू सम मेटेरियल प्रोसीजर, इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर। स्वयं गुरु बन जाते, भगवान उनको गुरु बना देता। माता चाचू को कौन बनाया गुरु? रमण चाचू को कौन बनाया गुरु? बताओ दिखाओ, हैं? विश्वनाथ चतुर्वेदी को कौन गुरु बनाया? भक्तिवीन ठाकुर को कौन गुरु बनाया? प्रभुपाद को कौन गुरु बनाया? किसने आकर अभिषेक किया? अरे ये तो भगवान के द्वारा निर्णित है, ये तो भगवान के द्वारा निर्णित है। जब भी गुरु बनाने का एक विषय है, तब क्या 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 कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? क्या केशव गोस्वामी महाराज गोइंग अगेंस्ट प्रभुपाद? आपका सिद्धांत तो यही है ना, जे केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का विरुद्ध सिद्धांत में गया। क्या केशव गोस्वामी महाराज को पता नहीं था? पता नहीं था जे गुरुजी क्या करके गया? इलेक्शन और सिलेक्शन के द्वारा गुरु निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन बामन गोस्वामी महाराज के बारे में जो गुरु का पद है, इसका बारे में कोई गुंजाइश नहीं हो सकता, क्योंकि केशव अधीत तो बामन रूप, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। श्रील केशव गोस्वामी महाराज अंतर से समझा कि ये बामन देव टोटली हार्मोनाइज्ड विद माय हार्ट, आई मीन जो मैं हूं वही बामन देव है, तो इसका बारे में सिलेक्शन इलेक्शन का कोई बात ही नहीं है। ये तो सिलेक्शन का कोई बात नहीं, वो तो गुरु जी के साथ एकाकार हो गया, तो उसको तुम गुरु बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता। गुरु तो वो तो अपने आप हो गुरु हो गया, वो तो अपने आप हो गया। केशव गोस्वामी महाराज जब सोचा मेरा हृदय के साथ एकाकार हो गया ये बामन, ये तो मैं निर्णय करके जाऊं नहीं, फिर भी ये गुरु ही है, गुरु है ना। बाकी इलेक्शन और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, गुरु जी ने गलत निर्णय लिया, ये संपूर्ण भ्रांत विचार है। गुरुजी कभी उल्टा नहीं कर सकता। गुरुजी उल्टा कर दिया मतलब मैं मायावादी हूँ। अगर ऐसा मेरा अंदर में संशय संदेह पैदा हो गया
कि गुरुजी गलत करके गया, क्यों आचार्य बना के गया, मतलब मैं मायावादी हूँ, मेरे को ऐसा करके भजन का रहस्य को समझना है, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा ना। तो वैष्णव बांछा कल पुत्र है, ठीक है, तैने जहर मांगा तो मैं क्या करूं, मैं देना नहीं चाहता, तू जोर जबरदस्ती इसी देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा, ले 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 ले, मैं क्या करूं, ले ले, लेने का इच्छा है तो ले ले, ठीक है। तो विचार के द्वारा ये देखा जाता है वैष्णव बांछा कल्पतरु, इनके पास कोई अगर धोखा देने के लिए आए, ये स्वयं वो धोखा खा जाता, ये धोखा खा जाता है, गुरु जी का कोई कसूर नहीं है। और जहाँ तक दुनिया का मंगल अमंगल का क्वेश्चन है, दैट होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विद गुरु जी। अगर आपका हो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हाँ महाराज इसको गुरु बना दिया तो इसका बाद इसका दीक्षित आदमी तो भटक जाएगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु जी का है, मूल गुरु नित्यानंद बलराम है, ये नित्यानंद बलराम केशव गोस्वामी महाराज और भक्ति मोहनपुर के समय रूप या श्रीधर गोस्वामी महाराज के रूप में आया है। तो आप भरोसा रखो, जो लोग कपट है यही कपट गुरु का पास आएगा, देख इट्स एन ऑटोमेटिक फेयर, समझ सोच समझ के देखना। अगर आप कहो कि दुनिया का मंगल फैलाने के लिए किया, कैसे मंगल फैलेगा, कैसे मंगल फैलेगा, जो कपट है वो कपट गुरु को मिलेगा, जो शुद्ध है जिसका अंदर शुद्ध मतलब जिसका कोई कामना वासना नहीं है, ये एब्सोल्यूट मंगल के लिए आया है, हाँ उसको घुमा फिरा के बल्लाव जी महाराज ठीक सदगुरु का संधान मिला देगा, इसका बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रहो, क्योंकि नित्यानंद बलराम का एक आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है, वो क्या है, ये कमिटमेंट है, प्रतिज्ञा है बलराम का, अतो संसारम बुद्धि तरण दायो मई लगे, अतो संसारम बुद्धि तरण दायो मई लगे, तो द होल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर है, किसको पार लगाना है किसको नहीं लगाना है मेरे ऊपर। सो किसी ने अगर अपना धोखेबाज शिष्य को धोखा देने के लिए गुरु बना दिया, उसको पनिशमेंट और संशोधन करके किसी जन्म में उसको अपना पास बुला लेगा, इसका बारे में बेफिक्र रहो आप। जो दुनिया अगर ये सब गुरु का चरण भले, इसका चिंता में क्यों कर रहे हो, पोपा जी ने बताया जो कपट है कपट गुरु मिलेगा, पोपा जी ने खुद हम दिखा देंगे आपको, कपट कुर्मी गुरु कुर्मी मिलता है, कुर्मी जो है कुर्मी गुरु, जो ज्ञानी गुरु ज्ञानी मिलता है, पर सब ऐसा जो जैसा है वो उसको ऐसा ही, कैसे तुलसीदास जैन ये भी लिखा है, क्या लिखा है बोलो, बिनु बिनु गुरु बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सही, तो राम मतलब बलराम भी हो सकता, राम मतलब बलराम से आए हुए रामचंद्र भी हो सकता, गुरु कृपा के बिना किसी का जिंदगी में सदगुरु प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, जो गुरु का आश्रय लेने के लिए आ रहा है शायद इनका हृदय में कुछ कपट भाव है, ये भजन करने के लिए आ रहा है, अगर आया होता तो ये बलराम का ड्यूटी है नित्यानंद राम जी का, क्या कहें,
भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, दो चार बात और सुना दे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, क्या कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, हे महोदयगण, हो महोदयगण, आप लोग गुरु ग्रहण करने के लिए व्यस्त न हो जाए, पागलपंथी ना दिखाए। हे महोदयगण, गुरु चरण आश्रय करने के लिए पागलपंथी न दिखाए, पागल न हो जाए। वेट एंड वॉच, अपेक्षा कीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, हे महोदयगण, गुरु चरण आश्रय का बहाने से आप अपना जिंदगी को है किसी का, किसी धोखेबाज के चरण में, सहजिया के चरण में समर्पित करके सेक्रीफाइस मत करो। डोंट सेक्रीफाइस योर लाइफ ऑन टू द फीट ऑफ सम चीटर इन द नेम ऑफ एक्सेप्टिंग गुरु। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने खुद बताया, हे महोदयगण, गुरु चरण आश्रय के लिए जो इतना व्यस्त ना हो जाए, आपका अंदर में अगर गुरु चरण ग्रहण करने का बिल्कुल सही विचार है तो आप निश्चिंत रहे, बलराम आपका सामने सदगुरु का रूप धारण करके आपके पास जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। अपना जिंदगी पर ये इतिहास है, मैंने इतना कष्ट मिला, गुरुजी नहीं मिल रहा है, कहाँ मिले, चारों ओर से भागा दौड़ी भा, लेकिन बाद में देखा जे सचमुच हमने प्रार्थना किया, रोज कीमती माला लेके गौड़ियामठ में जाते थे भगवान को अर्पण करने, उसका बाद दूसरा एक मंदिर है नव वृंदावन बोल के वहाँ देते थे, गौड़ियामठ में देते, उसका बाद प्रार्थना करते, ठाकुर जी मैं अंधा हूँ, कौन गुरु है कौन नहीं है मैं नहीं जानता, हमको आप रास्ता दिखाए। अरे हैरान की बात है, जब हम संत साधु भक्त लोगों का साथ वृंदावन गया, एक दफे राधा दामोदर मंदिर के सामने एक बुक स्टॉल था, अब खत्म हो गया, नहीं है, बंद हो गया, वो बुक स्टॉल का अंदर में मैं घुसा, क्योंकि किताब का नशा था। एक अचानक एक मैगजीन उठा लिया, मैगजीन को खोला, अरे ये तो मिल गया मेरे गुरुजी, इसी को ढूंढ रहा था। आप आकिन मही मनोगे कि ये पक्का बात है, मैं आशासन में बोल के बैठ के बोल रहा, हमने पिक्चर देखने का साथ बता दिया ये मेरा गुरु, इसी को ढूंढ रहा था। बाद में नवद्वीप आया था, कभी पहले नहीं आया था, अब आके गंगा का किनारे सोया, रात को कुछ देखा, सुबह में जाकर चैतन्य मठ आदि घूम के फिर एक ब्रह्मचारी ने गुप्त सीक्रेट गुप्त रूप में मेरे को ठिकाना दे दिया, यही है जिनको आप ढूंढ रहे हो, ये पिक्चर ये यही है, ये महाराज, अच्छा यही है, बोला हाँ, उसका बहुत उम्र है, अब जाओ जल्दी जाओ। और जाके देखा गुरुजी, गुरुजी धूप में बैठा हुआ है छात पे, मानो कि मेरे को जानता है जन्म जन्म, अब मेरे को भी ऐसा लगा मैं जन्म जन्म ये गुरु को जानता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये पक्का बात है, क्योंकि मेरा डिमांड पक्का था, इसलिए हमारा प्राप्ति भी पक्का हो गया, क्योंकि मेरा डिमांड भी पक्का था इसलिए मेरा प्राप्ति भी पक्का हो गया। अगर मैं प्राप्ति करने का विषय में अगर कुछ अगर धोखेबाजी अगर हमारे हृदय में हुआ होता तो हमको सदगुरु नहीं मिलता। सदगुरु मिलने का मतलब स्वरूप का दर्शन, गुरु का शरीर दर्शन, गुरु का वृद्धावस्था दर्शन, गुरु कितना पंडित है ये दर्शन मेरा हुआ नहीं, गुरु का तात्विक दर्शन हुआ था। न जाने पूर्व जन्म में मैं किस भूमिका में था मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दर्शन करने का साथ साथ मेरे को तात्विक दर्शन हो गया, अर्थात यही है भगवान, यही गुरु है। तो कोई चिंता ना करे, आदमी सब दुनिया का आदमी तरह तरह का संशय संदेह लेके अपना जीवन जिंदगी को बर्बादी का ओर पर ले जाने के लिए तैयारी में है। इन लोगों के लिए मैं ये प्रवचन
करने के लिए मजबूर है, मजबूर हो गया। क्षमा करे। शिला परीक्षित महाराज के बारे में है, शिला परीक्षित महाराज का बारे में है, जब सनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछा जे महाराज कोली को ख़त्म करने से अच्छा था परीक्षित महाराज क्यों कोली को ख़त्म नहीं किया, इसका उत्तर में शिला सुतोदेव गोस्वामी जी ने बताया, परीक्षित महाराज एक इतना बड़ा महान महात्मा, महान राजा है, जो उनको पता था जी कली जितना भी दोष है इसका अंदर में एक महान गुण है जो हरि कीर्तन हरि कथा के द्वारा कली का सागर अनायास पार कर सकता, इसीलिए लिखा है कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। इस विचार का आधार पर अगर देखा जाए परीक्षित महाराज जी एक्चुअली परीक्षित महाराज जी के बारे में लिखा है सुखदेव उसमें कहा है जे परीक्षित महाराज सारंगो इव सारभुक, परीक्षित महाराज सारंगो इव सारभुक मतलब सारंग मतलब मधुमक्खी जैसे फूलों से मधु लेता है, विष नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, सिर्फ मधु पान करके चले जाते, इसलिए परीक्षित महाराज को पता था कली दोष का आकर है, फिर भी इसका अंदर में एक इतना महान गुण है जो भगवान संकीर्तन के द्वारा संकीर्तन भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा कली का सागर पार कर सकता, इसीलिए जिसका मरने का तकदीर है वो मरेगा, जिनको कोई सीरियसनेस नहीं है, इसका उत्तर दिया सुतदेव गोस्वामी तो कली को क्यों नहीं माना, इसका कारण है जे जो व्यक्ति खूब सीरियस है माने भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा होशियार है ये लोगों को तो कोई समस्या है नहीं, जो लोग होशियार नहीं है वो लोग किसी भी हालत से मरेगा ही, उसका तो भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मापिक कोई अगर आचार्यो महान पुरुष किसी को आचार्यो कर दिया माने इच्छा नहीं है फिर भी कर दिया तो इसका पीछे क्या है, जिसको जो गुरु को घूण करे वो मरेगा, और जो जिसको सचमुच भगवान चाहिए बल्लभ जी का कृपा चाहिए वो तो पार हो जाएगा किसी भी हालत से, बल्लभ जी महाराज उनके सामने गुरु रूप में प्रकट हो जाएंगे। ये सब रहस्य है जो भी है, यहाँ चर्चा का खत्म करें, आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखें। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नते वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।